हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा सात का महान व्यक्तित्व पाठ सात। पाठ का नाम है महाराजा अग्रसेन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सारांश देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धनपाल नामक राजा ने सरस्वती नदी के किनारे प्रताप नगर राज्य स्थापित किया। धनपाल की छठी पीढ़ी में महाराजा बल्लभ हुए, जिनकी अग्रसेन और शूरसेन नामक पुत्र थे। यानी कि धनपाल नामक एक राजा थे जिन्होंने सरस्वती नदी के किनारे एक राज्य स्थापित किया था। उस राज्य का नाम था प्रताप नगर। धनपाल की छठी पीढ़ी में महाराजा बल्लभ थे, जिनके दो पुत्र थे, अग्रसेन और शूरसेन। आगे पढ़ते हैं। अग्रसेन का विवाह माधवी से हुआ। इसके अलावा महाराज अग्रसेन ने कोल्हापुर के नागवंशी महाराज महिरथ की पुत्री सुंदरवती के साथ विवाह किया। इन्होंने दो विवाह किया था। पहली पत्नी थी इनकी माधवी और दूसरी थी सुंदरवती, जो कि कोल्हापुर के नागवंशी महाराज महिरथ की पुत्री थी। आगे पढ़ते हैं। दोनों पत्नियों माधवी और सुंदरवती के पिता कुमुद और महिरथ ने अग्रसेन की सहायता की। यानी कि माधवी के पिता का नाम था कुमुद और सुंदरवती के पिताजी का नाम था महिरथ। तो आगे पढ़ते हैं। जिससे इनका राज्य समृद्धिशाली हो गया। यानी कि इनके पिताजी ने, यानी कि माधवी और सुंदरवती दोनों के पिता ने अग्रसेन की सहायता की, जिससे इनका राज्य बहुत उन्नति किया। आगे पढ़ते हैं। दो नागवंशों से संबंध हो जाने पर यह स्वाभाविक ही था, इनकी प्रजा भी संतुष्ट थी। इन्होंने अपने भाई शूरसेन के विवाह पर इंद्र को आमंत्रित कर उनसे मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। यानी कि अग्रसेन के भाई शूरसेन का जब विवाह था तब इन्होंने इंद्र को आमंत्रित किया था और मित्रता का संबंध बनाया था। आगे पढ़ते हैं। महाराजा बल्लभ की मृत्यु के बाद अग्रसेन अनेक तीर्थ स्थानों पर गए। अग्रसेन ने पंचनद यानी कि पंजाब में नए राज्य की स्थापना की और अग्रियगढ़ अग्रोहा नगर बसाया। शूरसेन प्रताप नगर के राजा बने। जब बल्लभ यानी कि महाराजा बल्लभ की मृत्यु हो गई, उसके बाद अग्रसेन तीर्थ स्थानों पर गए और शूरसेन प्रताप नगर के राजा बने। आगे पढ़ते हैं। अग्रसेन ने 18 बस्तियां बसाईं और जियो और जीने दो इनकी राजनीति का आधार था। इनके राज्य में हिंसा और दुर्नीति के लिए कोई स्थान नहीं था। अग्रसेन की संतानों में राजकुमार विभु सबसे बड़े थे। संतान होने की खुशी में अग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन पशु बलि नहीं होने दी। यानी कि जब यज्ञ किया जाता है तो पशु बलि दिया जाता है, लेकिन इन्होंने पशु बलि नहीं दी। उसके स्थान पर नारियल को ही यज्ञ की पूर्णाहुति का साधन बनाया। यानी कि पशु बलि के जगह नारियल फोड़ा गया। अपने राज्य में कहीं भी होने वाली पशु बलि इन्होंने रुकवा दी। इनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की मदद और सहयोग करने वाला था। नवांगतुक व्यक्ति की भी लोग आवास और भरण पोषण में मदद करते थे। यानी कि उनके राज्य के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की मदद किया करते थे। नवांगतुक का अर्थ होता है नया नया बसने वाला। यानी कि जब दूसरे राज्य से लोग आते थे, उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था चाहिए था, तो वो एक दूसरे की मदद किया करते थे। अग्रसेन ने जनपदों में जनप्रतिनिधियों की नई व्यवस्था को जन्म दिया। एक लंबी अवधि तक राज करके अपने पुत्र विभु को शासन सौंप दोनों महारानियों सहित इन्होंने वनवास ग्रहण कर लिया। यानी कि बहुत लंबे समय तक इन्होंने राज किया और अपने पुत्र विभु, जो कि इनका बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र विभु थे, इनको शासन सौंप दिया और दोनों महारानियों सहित वनवास के लिए चले गए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ का सारांश देखा,
तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।